आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही प्यारा बॉर्डर डिजाइन, और ये ऐसा डिजाइन है कि इसे आप स्वेटर में भी अप्लाई कर सकती हैं और बॉर्डर भी बना सकती हैं। और ये टू रो का डिजाइन है, बहुत ही खूबसूरत है। दो सिलाइयों को आप दोहराते जाइए, आपका डिजाइन बनता जाएगा और बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार होता है। फ्रेंड्स, ये 3 के मल्टीपल ये डिजाइन है। तो फ्रेंड्स, चलिए आप जो हम आपको ये डिजाइन बताते हैं, इसे आप जेंट्स में डालिए, बच्चों के स्वेटर में डालिए या लेडीज कार्डिगन में ये बॉर्डर आप अप्लाई करेंगी, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इससे पहले आपको डिजाइन देखने से पहले जो है, मेरे चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, बगल में बेल आइकन की घंटी है, उसे प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए आपको बॉर्डर बनाना बताते हैं, तो शुरू करते हैं। ये फर्स्ट रो बेसिक रो है, हमने ये फंदे डाला हुआ है। अब इसे हम फर्स्ट रो जो है रॉन्ग साइड से इसे हम पूरा उल्टा बुन लेते हैं। ये फर्स्ट रो बेसिक रो है, रॉन्ग साइड से इसे हम उल्टा बुन करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम राइट साइड आ गए। अब यहाँ से हम जो है इस डिजाइन पैटर्न को शुरू करेंगे, और ये 2 रो का ही डिजाइन है। चलिए आपको बताते हैं। ये देखिए, फर्स्ट फंदा हमारा साइड का है, फिर ऊन के धागे को आगे करेंगे और एक फंदा हम उल्टा बुनाई करेंगे। फिर इसके बाद देखिए, ऊन के धागे को जो है बैक साइड ले जाएंगे और 1, 2 फंदों को हम एक साथ नीट करेंगे। 2 फंदे हमारे हैं, दोनों को एक साथ हमने बुनाई किया है, तो हमारा जो ये आगे वाला फंदा है, एक फंदे में 1 फंदे में हम दोबारा नीट करेंगे। सेकेंड बार इसे नीट करके इसे स्लिप कर देंगे। फिर इसके बाद उनके धागे को फ्रंट साइड लाएंगे और एक फंदा हम उल्टा बुनाई करेंगे। फिर उनके धागे को बैक साइड ले जाएंगे और फिर इन 2 फंदों को एक साथ हम नीट करेंगे। देखिए, 2 फंदों को एक साथ हमने बैक साइड से बुनाई किया। फिर इसके बाद जो हमारा ये आगे वाला फंदा है, इसे स्लिप नहीं करना है, जो आगे वाला फंदा है इसमें हम दोबारा बुनाई करेंगे। इसके बाद हम इसे स्लिप कर देंगे। फिर उनके धागे को फ्रंट साइड लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनाई करेंगे और उनके धागे को बैक साइड ले जाएंगे, फिर इन 2 फंदों में हम डिजाइन बनाएंगे। देखिए, 2 फंदों को हम एक साथ नीट करेंगे। फिर इसके बाद जो आगे वाला फंदा है इसे स्लिप नहीं करेंगे और फिर आगे वाले फंदे में हम दोबारा बुनाई करेंगे। इसके बाद देखिए, उनके धागे को फ्रंट साइड लाएंगे, एक फंदा उल्टा और ये साइड का एड स्टिच है, इसे हम बुन करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये डिजाइन का हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब हम आते हैं सेकेंड रो में। इसमें देखिए, जो हमारा ये साइड का एड स्टिच है इसे हम स्लिप कर लेंगे, फिर उनके धागे को बैक साइड ले जाएंगे। जो हमने राइट साइड में एक फंदा उल्टा बुना है उसे हम सीधा बुनेंगे, और जो राइट साइड में हमने 2 फंदे डिजाइन के बनाए हुए थे तो उसका जो फर्स्ट फंदा है उसे भी हम सीधा बुनेंगे। फिर उनके धागे को फ्रंट साइड लाएंगे और जो हमारा डिजाइन का फर्स्ट फंदा है उसे हम स्लिप करेंगे, फिर उनके धागे को बैक साइड ले जाएंगे और 2 फंदे हमारे सीधे हो जाएंगे। एक तो हमारा जो उल्टा है फंदा उसे, और एक डिजाइन का आगे वाला फंदा। तो 2 फंदा हम नीट करेंगे, इसके बाद उनके धागे को फ्रंट साइड लाएंगे और एक फंदा हम स्लिप कर लेंगे। फिर उनके धागे को बैक साइड ले जाएंगे और 1, 2 फंदे हम सीधे बुनाई करेंगे, 1, 2 और फिर उनके धागे को फ्रंट साइड लाएंगे, 1 फंदा हम स्लिप करेंगे, उनके धागे को बैक साइड ले जाएंगे, ये हमारे 2 फंदे सीधे हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये डिजाइन का
सेकेंड रो कंप्लीट हो गया। इसी टू रो को हमें रिपीट करना है। तो एक बार हम आपको और रिपीट करके बता दे रहे हैं, ये साइड का हमारा एड स्टिच है। फिर ऊन के धागे को फ्रंट साइड लाएंगे, एक फंदा हम उल्टा बुनाई करेंगे, फिर ऊन के धागे को बैक साइड ले जाएंगे, फिर इन्हीं टू फंदों में हम डिजाइन को रिपीट करेंगे। देखिए टू फंदों को हम एक साथ बुनाई करेंगे, फिर आगे वाले फंदे में हम दोबारा बुनाई करेंगे, इसके बाद हम इसे स्लिप करेंगे, फिर उनके धागे को फ्रंट साइड लाएंगे, एक फंदा हम उल्टा बुनाई करेंगे, फिर उनके धागे को बैक साइड ले जाएंगे, इन दो फंदों में हम फिर डिजाइन को रिपीट करेंगे। देखिए टू फंदों को एक साथ बुनाई किया, फिर आगे वाले फंदे में हमने दोबारा बुनाई किया, फिर उनके धागे को फ्रंट साइड लाएंगे, एक फंदा उल्टा, फिर उनके धागे को बैक साइड ले जाएंगे, इन टू फंदों को फिर एक साथ बुनाई करेंगे, फिर आगे वाले फंदे में हम दोबारा बुनाई करेंगे और फिर स्लिप कर देंगे, और उनके धागे को फ्रंट साइड लाएंगे, एक फंदा उल्टा, और उनके धागे को बैक साइड ले जा करके ये साइड का एड स्टिच है। तो फ्रेंड्स हमारा ये डिजाइन का थर्ड रो रिपीट रो है। अब देखिए ये रॉन्ग साइड है, फोर्थ रो रिपीट रो है फ्रेंड्स। तो देखिए ये फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, उनके धागे को बैक साइड ले जाएंगे, ये जो हमारा एक फंदा सीधा और ये डिजाइन का फर्स्ट फंदा भी हम सीधा बुनेंगे। तो हमारे दो फंदे सीधे हो गए, उनके धागे को आगे लाएंगे और जो हमारा डिजाइन का आगे वाला फंदा है इसे स्लिप कर लेंगे, फिर उनके धागे को बैक साइड ले जाएंगे और दो फंदे हमारे सीधे हो जाएंगे। उनके धागे को फ्रंट साइड लाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, उनके धागे को बैक साइड ले जाएंगे, फिर दो फंदे हमारे ये सीधे बुने जाएंगे, और उनके धागे को फ्रंट साइड लाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, उनके धागे को बैक साइड ले जाएंगे और दो फंदे हमारे एक फंदा सीधा और उनके धागे फ्रंट साइड लाएंगे। इस साइड का एड स्टिच है, इसे भी हम बुनाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए डिजाइन बनकर आना शुरू हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए ये इस तरह बनकर आएगा। तो इस डिजाइन को आप बनाएंगी तो इसी तरह ये इतना खूबसूरत डिजाइन बनकर आएगा। ये राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है, और ये टू ही रो का पैटर्न है, इसे आप बनाइए। ये डिजाइन फ्रेंड्स अच्छा लगा हो और मेरा बताने का तरीका अच्छा हो तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।